हेलो व्यूवर्स आज हम लोग करेंगे टॉप 25 प्रीवियस ईयर बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ जीके जी का जो आपको सभी वन डे कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा बी इट एसएससी बैंकिंग स्टेट एग्जाम्स दिल्ली पुलिस रेलवे आई बी और अपकमिंग जो सी एग्जाम्स होने वाला है आने वाले सालों में उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पद्म विभूषण विनर पंडित बिरजू महाराज वैसे फेमस देश डांसर पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कौन से डांस से बिलोंग करते थे आप पिक्चर में देख के ही समझ सकते हैं कि वो फेमस कथक डांसर रहे हैं उनका डेट प्रीवियस ईयर 2022 में हुआ है जिसके चलते इनका क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में बन रहे हैं तो आप लोग याद रखना नेक्स्ट व्हाट केमिकल एलिमेंट डस एच स्टैंड फॉर इन द साइंस पीरियडिक टेबल एच जो है वो किसके लिए स्टैंड होता है हेलियम हाइड्रोजन होलोमियम या फिर मार्कुरी मार्कुरी के लिए तो नहीं होगा ये आप सबको पता है अभी क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन या हेलियम तो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन के लिए एच स्टैंड होता है Which of the following animals does not have a backbone? Frog, human, spider या pigeon. Correct answer है इनमें से frog का backbone रहता है humans का रहता है हमारा spinal cord से जो brain join करता है वही हमारा backbone है Then pigeon का भी रहता है इनमें से spider का जो होता है वहाँ उसका backbone नहीं रहता है According to the fundamental duties given in the Indian Constitution, it shall be the duty of every citizen to uphold and protect the sovereignty, एंड डैश ऑफ इंडिया आपके ऑप्शनस है लिबर्टी एंड इक्वालिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी या फिर स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिटी फॉलोइंग ऑप्शन में से कन्फ्यूशन होगा लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है फ्रेटर्निटी हमारे प्रियम्बल में है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी या लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन दोनों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लिबर्टी हमारे संविधान में मैंशन नहीं है हमारे फ्रीडम्स से लेकिन लिबर्टी मैंशन नहीं है दी रिमेन्स ऑफ देड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक इज कॉल्ड दैश मैन्य मोल्स फोसल्स या रेमनन्स करेक्ट आंसर है फोसल जो जीव जंतु मर जाते हैं या तो फिर प्लांट्स जिनका डेद हो जाता है जो रॉक के लेयर्स में ट्रैप होके रह जाते हैं बहुत फर्टाइल होता है वो जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी पत्थरों में उग जाते हैं उनको फोसल्स कहा जाता है वट इज़ स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाइड कवरिंग अ यूनिट डिस्टेंस या एक्सेरेशन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम फॉलोइंग ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम वेलोसिटी और स्पीड अलग होते हैं एक्सेलेशन और स्पीड अलग होते हैं वेलोसिटी भी अलग होता है फोर्स भी अलग होता है तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर सकते थे कि ये जो डिस्टेंस होता है एक यूनिट में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट उसी को स्पीड कहा जाता है द सेंसेस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस विद इंफॉमेशन रिगार्डिंग दैश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पोल्यूशन फूड सिक्योरिटी या पॉपुलेशन तो सेंसेस जो होता है वो पॉपुलेशन के लिए ही कंडक्ट कराया जाता है करेक्ट आंसर है दी पॉपुलेशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट इंटरमेडियटिस सिडबी आई आई एफ सी एल एन या फिर से हम सबको पता है स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी जो है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है सेबी विच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉवल्स इज बेस्ड ऑन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फुलन देवी एंड रिटन बाय द ऑथर रॉय मॉक्सम देवी के बारे में जो पार्लियामेंट की मेम्बर थी जो बुक है या नॉवल है वो है आउट लो इंडियाज़ बैंडिड क्वीन एंड मी ये लिखा था रॉय मॉक्सम ने उस्ताद अल्लाखा कुरेशी हु इज ऑल्सो नोन एस अलराखा वॉज एसोसिएटेड विथ हुई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानो तबला सरो फ्लूट आप पिक्चर में ही देख सकते हैं कि यह तबला बाजार है तो करेक्ट आंसर तबला है उसका अलराखा कि तबला प्लेयर वेयर डज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया लाई बिटवीन दी यू एंड केरला बिटवीन इस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल बिटवीन गल्फ ऑफ कैम्बे एंड कैप कोमोरिन बिटवीन महाराष्ट्र एंड केरला महाराष्ट्र एंड केरला के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें से जो ये ईस्टर्न घाट्स है एंड दिस पोर्शन ऑफ इंडियन ओशन इज बे ऑफ बंगाल उसके बीच में जो लैंड एरिया है उसी को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है तो करेक्ट आंसर है बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल द डैश इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ़ द यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इंटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन नाइनटीन फोटी सेवन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या रोला एक्ट करेक्ट आंसर इनमें से है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सभी को पता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन के चलते ही इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था इन विच ईयर डिट बाबर डिफीट राना संगा एट खानवा 1531, 1527, 1529 ट्वेंटी या फिफ्टी करेक्ट आंसर है 1527 बैटल ऑफ खानवा हुआ था जब बाबर ने राना संगा को डिफीट किया था तो करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ खानवा 1527 एंशंट हर साइट लोथल वॉज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है गुजरात गुजरात के स्टेट में ही लोकेटेड है लोथल लोथल किस नदी के किनारे पाया जाता है ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है तो करेक्ट आंसर है भोगवा नदी इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं जैसे कि लोथाल ना सो तो थाल में हम लोग क्या करते हैं भोग लगाता है सो लोथल विल भी एसोसिएटेड विद भोगवा रिवर डू रिमेंबर इट इन दिस वे

1916 को साबरमती आश्रम का एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1921 को हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था लेकिन सबसे पहले नेशन वाइड सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने 1919 में किया था चंपा, चंपारण में रेकमेंडेड डाइटरी अलावेंस इक्वल टू बैलेंस डाइट माइनस एक्स्ट्रा न्यूट्रियन रिक्वायरमेंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्स्ट्रा न्यूट्रियन या फिर इंटरमीडियंट फास्टिंग प्लस एक्स्ट्रा न्यूट्रियन करेक्ट है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इक्वल टू रिक्वायरमेंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी हु एमंग दी फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंगर डायनेस्टी शुंगर डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुष्य मित्र शुंगा उन्होंने एटीन वन एट्टी फाइव से लेकर सेवेंटी थ्री बी सी के बीच में अपना डाइनेस्टी चलाया था फाउंड किया था वन एट्टी फाइव में विच ऑफ द फेमस कथक डांसर रिसिप्ट पद्म विभूषण इन नाइनटीन एटी सिक्स करेक्ट आंसर आप लोग पिक्चर को देख के ही बता सकते हैं दैट ही इज फेमस पंडित बिरजू महाराज जो कथक डांस से रिलेटेड है पंडित गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांस से एसोसिएटेड है मल्लिका सरावे भारतनाट्यम डांस से रिलेटेड है एंड रुक्मिणी देवी अरुणाले भी भारतनाट्यम डांस से एसोसिएटेड है द फेस्टिवल ऑफ सलहेश इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु पंजाब गुजरात या बिहार करेक्ट आंसर है बिहार ये महाराजा सलहेश है जिनका पूजा किया जाता है बिहार में विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन ईयर होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज डू कमेंट एंड थैंक यू